नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज, जिसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारा जो पिछला वीडियो है उसके अंदर हमने पार्ट 1 में इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज फिर से पहले से हमने देखे थे और उनके साथ ही साथ उनके एक्सप्लेनेशन भी हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। तो अगर मान लो आप फार्माकोग्नोसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपेट एग्जाम, इनमें से किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स ज्वाइन करें या फिर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं फिर से बता दूं कि अनअकैडमी पर मेरा यानी कि एसीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम अभी बैच लाइव चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 2999 रुपीज, जो कि अभी 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो इसमें राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर 5-10% तक डिस्काउंट मिल सके। ये कोर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर आपको फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, डीएसबीएम, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट वहां पे मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पाएंगे और इनकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को भी कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से हम करीबन 8-10 क्वेश्चंस और बनाएंगे। यानी एक क्वेश्चंस को अगर हम एक्सप्लेन करके देखेंगे ना तो लगभग हमारे 8-10 क्वेश्चंस और सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 एमसीक्यूज तो लेके आए हैं, बाकी कम से कम आपके 100 के आसपास एमसीक्यूज तैयार होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा आप देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ आज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनोमोसाइटिक स्टोमेटा आर फाउंड इन, इनमें से एनोमोसाइटिक स्टोमेटा कौन से प्लांट के अंदर रहते हैं वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है डिजिटेलिस, ऑप्शन बी है सीना, ऑप्शन सी है मेंथा एंड ऑप्शन डी है स्ट्रामोनियम। जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका आंसर कि एनोमोसाइटिक स्टोमेटा कौन से प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए डिजिटेलिस, ऑप्शन बी है सीना, ऑप्शन सी है मेंथा एंड ऑप्शन डी है स्ट्रामोनियम। देखिए कई लोगों का कमेंट यहाँ पे आना चालू हो गया है। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी कि डिजिटलिस्ट। देखिए अब हम देख लेते हैं कि डाइकोटिन जो ये अभी हम यहाँ पे अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डाइकोट के प्लांट से रिलेटेड जो भी स्टोमेटा होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। और डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर मेनली 4 टाइप्स के स्टोमेटा होते हैं। सबसे पहला हम देखें तो वो है एनोमोसाइटिक या फिर रेनेनपुलस स्टोमेटा। जो पहला टाइप हो गया वो है एनोमोसाइटिक एंड इसका दूसरा नाम है रेनेनपुलस स्टोमेटा। इसके अंदर क्या होगा, जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा इस तरीके से आपकी एयर एक्सचेंज के लिए लीफ के अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा, ठीक है ना, एयर एक्सचेंज के लिए काम आता है स्टोमेटा। यहाँ पे सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स, इसके चारों ओर है ना सब्सिडरी सेल्स रहती है, तो वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स हो सकती है खूब सारी अलग अलग, ठीक है ना। तो ऐसे स्टोमेटा को हम बोलते हैं एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स हो सकती है, तो ऐसे स्टोमेटा को क्या कहेंगे, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। ये कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है इसका आपको अच्छे से एग्जाम्पल लर्न रखना है। एक तो हो गया डिजिटेलिस, दूसरा हो गया क्लोव एंड तीसरा हो गया लोवेलिया। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे ना इसमें डिजिटेलिस, सीना, मेंथा एंड स्ट्रामोनियम दे रखा है, तो यहाँ पे एकमात्र डिजिटेलिस ही ऐसा है जो की एनोमोसाइटिक या रेनेनपुलस वाला स्टोमेटा वाला प्लांट है, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, कई बार एग्जाम में क्लोव के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्लोव के अंदर कौन सा स्टोमेटा रहता है, या फिर लोबेलिया के अंदर भी पूछ लिया जाता है। वैसे मोस्टली डिजिटेलिस और क्लोव का ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिजिटेलिस और क्लोव में एनोमोसाइटिक या फिर रेनेनपुलस टाइप का स्टोमेटा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के स्टोमेटा। दूसरा हो गया आपका पेरासाइटिक, कौन सा हो गया, पेरासाइटिक या फिर दूसरा नाम है उसका रूबीसियस। क्या होता है, रूबीसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्टोमेटा 2 सब्सिडरी सेल से घिरा हुआ रहता है और वो जो लॉन्ग एक्सेस होते हैं ना वो पैरेलल टू स्टोमेटा रहती है इसकी, तो आपका क्या लेगा, पेरासाइटिक, पैरेलल है ना इसलिए इसका नाम है पेरासाइटिक, क्योंकि ये जो लॉन्ग एक्सेस है सब्सिडरी सेल्स की दीज आर पैरेलल टू स्टोमेटा, तो यहाँ पे आपका पेरासाइटिक है और इसका दूसरा नाम रूबीसियस भी है। देखिए सिन्ना लीव होता है उसके अंदर पेरासाइटिक स्टोमेटा होता है, साथ ही साथ कोका लीव्स, कोका लीव होती है ना उसके अंदर भी पैरासाइटिक स्टोमेटा रहता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टोमेटा डाइसाइटिक, जिसको हम बोलते हैं कैरियोफाइलेसियस, डाइसाइटिक, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा।
इसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर दो सब्सिडरी सेल रहती है यहाँ पे भी, बाकी जो लॉन्ग एक्सिस होती है वो राइट एंगल रहती है, 90 डिग्री एंगल पर रहती है स्टोमेटा के, इसलिए इसका नाम डाइसाइटिक या कैरियोपाइलस है। देखिए पैरासाइटिक में तो पैरेलल है और इसमें कितनी है, लॉन्ग एक्सिस पे है आपकी, इसलिए यहाँ पे आपका इसका नाम क्या हो गया, डाइसाइटिक स्टोमेटा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मेंथा, और जिसे हम पीपरमिंट भी कहते हैं। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वसाका। वसाका और मेंथा दोनों में क्या पाया जाता है, डाइसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है। देखिए मैं मेरे पीछे से आपको प्रॉपर नहीं दिख पा रहा होगा, मेंथा और जिसको हम पीपरमिंट भी बोलते हैं, और दूसरा है वसाका, यहाँ पे डाइसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है। तीसरी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं एनाइसोसाइटिक या फिर क्रूसीफेरस स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, एनाइसोसाइटिक या फिर क्रूसीफेरस स्टोमेटा। यहाँ पे क्या होता है, जो स्टोमेटा के चारों ओर सब्सिडरी सेल्स होती है ना, वो अनइक्वल रहती है, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा, तो यह उसको हम बोलते हैं एनाइसोसाइटिक या क्रूसीफेरस। इसका जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रामोनियम, दतुरा स्ट्रामोनियम, बेलेडोना और दतुरा, ये आपके जो सोलिनेसी प्लांट के है वो अधिकतर यहाँ पे एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा लगते हैं। देखिए स्टोमेटा होता कहाँ पे, लीफ के ऊपर होता है स्टोमेटा होगा, और ये लीफ के ऊपर जो भी एयर एक्सचेंज होती है ना उसके लिए होता है, और इसके चारों ओर क्या होती है, सब्सिडरी सेल्स, तो उन सब्सिडरी सेल्स के आधार पे ही इनको एनोमोसाइटिक, पैरासाइटिक, डाइसाइटिक या एनाइसोसाइटिक कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके काफी क्वेश्चन सोल्व हो गए, लगभग 9-10 क्वेश्चन सोल्व हो गए, कौन सा क्या होता है, किसका क्या एग्जाम्पल है, कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फैमिली ऑफ क्लोवीज, क्लो की कौन सी फैमिली है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लो प्लांट की फैमिली कौन सी है वो आपको बतानी है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पेपेवेरेसी, ऑप्शन बी है एपोसाइनेसी, ऑप्शन सी है मिल्टेसी एंड ऑप्शन डी है लोरेसी। क्लो फैमिली, क्लो यानी लॉन्ग, क्लो का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं लॉन्ग, इस प्लांट की फैमिली का नाम बताइएगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है पेपेवेरेसी, ऑप्शन बी एपोसाइनेसी, ऑप्शन सी मिल्टेसी एंड ऑप्शन डी है लोरेसी। देखिए इसका आंसर आप लोगों ने भी बताना चालू कर दिया होगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि मिल्टेसी। क्या है, मिल्टेसी। देखिए कई ऐसी प्लांट्स हैं जिनकी फैमिली एग्जाम में पूछी गई है, कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछी गई है, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम पूछी है, जीपेट एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है, तो उन इम्पोर्टेंट प्लांट्स की अपन फैमिली देख लेते हैं, साथ ही साथ उनका बोटेनिकल नेम और उनका प्लांट पार्ट भी देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट वहाँ पे फार्माकोग्नोस्टिक एक्टिविटी रखता है। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट ड्रग्स एंड देयर फैमिली, सबसे पहला हो गया आपका क्लो। देखिए क्लो की फैमिली तो हमने बताई थी, यहाँ पे कौन सी है, मिल्टेसी, और क्लो का जो बोटेनिकल नेम होता है वो है यूजीनिया कैरियोफाइलस। क्या हो गया, यूजीनिया कैरियोफाइलस। क्लो के ऊपर जो ड्राइड फ्लोवर बड होता है, क्लो के ऊपर ड्राइड फ्लोवर बड, वो पार्ट आपका काम आता है, इसका जो फार्माकोग्नोस्टिक एक्टिविटी रखता है। दूसरा जो आपका प्लांट हो गया इंपॉर्टेंट वो है विंका, विंका रोजिया या कैथेरोन्थस रोजिया, एंटी कैंसर ड्रग है विंका, कहाँ काम आ रही है, एंटी कैंसर में, ठीक है ना। कैथेरोन्थस रोजिया इसका बोटेनिकल नेम है और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। क्या है, एपोसाइनेसी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसकी फैमिली का, इसका बोटेनिकल नेम का, और इसके अंदर जो भी ड्राइड होल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट ड्राइड होने के बाद हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो गया, विंका का हो गया बोटनिकल नेम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड है ओपियम, ओपियम का जो नाम रहता है आपका बोटनिकल नेम वो है एपेवर सोमनीफेरम, एपेवर सोमनीफेरम ओपियम का नाम है, ठीक है ना। ये लेटेक्स और इसे ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम ओपियम पॉपी, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम ओपियम पॉपी, जो ओपियम का फ्रूट होता है, ओपियम के फ्रूट को क्या बोलते हैं, पॉपी के फ्रूट के ऊपर से उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, कट लगा के इंसिजन करके वहां से ब्राइट व्हाइट लेटेक्स बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। और इसका जो फैमिली है वो है पेपेवेरेसी, ये शेड्यूल एक्स के अंदर आती है ड्रग ओपियम, और इसकी फैमिली है पेपेवेरेसी। तो जब कभी भी ओपियम का प्रोडक्शन होता है ना, तो सारा का सारा गवर्नमेंट की देख रेख में ही होता है, क्योंकि ये सेबिक्स एल में आती है, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट के तहत इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है सिनामोन, जिसे हम दालचीनी भी बोलते हैं, सिनामोन का दूसरा नाम क्या होता है, दालचीनी। इसका जो बोटनिकल नेम है वो है सिनामोमम जेलेनिकम, क्या हो गया, सिनामोमम जेलेनिकम, और इसकी फैमिली है लोरेसी, फैमिली क्या हो गई, लोरेसी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो ड्राइड इनर बार्क होता है, ड्राइड इनर बार्क,
वो आपका काम आता है एज एक्टिव सब्सटेंस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिन्हा। सिन्हा का जो बोटनिकल नेम है वो है केसिया अंगस्टिफोलिया, और ये लेग्यूमिनेसी प्लांट का फैमिली का प्लांट है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट, और इसके अंदर ड्राइड लीफलेट काम में आती है। इसी तरीके से डिजिटेलिस, डिजिटेलिस का बोटनिकल नेम हो गया डिजिटेलिस पुरपुरिया। फैमिली है इसकी स्क्रोफुलेरियसी, कौन सी फैमिली हो गई, स्क्रोफुलेरियसी। यहाँ पे भी ड्राइड लीव्स काम आती है, ड्राइड लीव्स। तो देखिए यहाँ पे हमने लगभग 6-7 प्लांट की फैमिली, उसके बोटनिकल नेम, उसका प्लांट पार्ट, लगभग हमने लगभग 21 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से कर लिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन सभी का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको लर्न करनी है, काफी अच्छी तरीके से लर्न करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फैमिली ऑफ प्लांट रोवल्फिया सर्पेंटाइना इज, इनमें से रोवल्फिया सर्पेंटाइना जिसे हम सर्पगंधा भी बोलते हैं, रोवल्फिया सर्पेंटाइना, उस प्लांट की फैमिली का क्या नाम है ये आपको बताना है। रोवल्फिया सर्पेंटाइना फैमिली प्लांट की फैमिली का नाम क्या है। चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है स्क्रोफुलेरियसी, ऑप्शन बी है एपोसाइनेसी, ऑप्शन सी है एरेरियसी, एंड ऑप्शन डी है क्लेविसिपिटेसी। आपको बताना है कि रोवल्फिया सर्पेंटाइना का बोटनिकल नेम क्या है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे फैमिली का नाम बताना है रोवल्फिया सर्पेंटाइना का। देखिए कई लोगों ने इसका आंसर भी देना शुरू कर दिया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एपोसाइनेसी। क्या है, एपोसाइनेसी। देखिए कुछ और प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमने काफी प्लांट तो पहले देख लिए थे, लगभग 7-8 प्लांट, अभी हम 5-6 प्लांट और देख लेते हैं और उनके बोटेनिकल नेम, फैमिली, प्लांट पार्ट सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया रोवल्फिया। रोवल्फिया क्या है, बोटनिकल नेम रोवल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे हम बोलते हैं सर्पगंधा, है ना। इसकी फैमिली होगी आपकी एपोसाइनेसी, और ये कहाँ काम आता है, ये एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर को कम करने में काम आता है। ये इसका ड्राइड रूट और राइजोम, कौन कौन सा, ड्राइड रूट एंड राइजोम, इसका प्लांट पार्ट काम में लिया जाता है एज ए फार्माकोग्नोस्टिक एक्टिविटी। सेकेंड है आपका अर्गट। अर्गट देखिए क्लेविसेप्स पुरपुरिया से ऑप्टेन किया जाता है, एक प्रकार की फंगस है क्लेविसेप्स पुरपुरिया, इससे ऑप्टेन किया जाता है अर्गट, और इसकी फैमिली है क्लेविसिपिटेसी, क्लेविसिपिटेसी, है ना। ये ड्राइड स्क्लेरोसियम फंगस का कौन सा पार्ट, स्क्लेरोसियम से, ड्राइड स्क्लेरोसियम ऑफ फंगस से ऑप्टेन किया जाता है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया वाली फंगस होती है, उसके ड्राइड स्क्लेरोसियम से ऑप्टेन किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट हो गया बेलाडोना। बेलाडोना का बोटनिकल नेम है एट्रोपा बेलाडोना, जिसकी फैमिली है सोलेनेसी, कौन सी फैमिली हो गई, सोलेनेसी, और ये ऑप्टेन किया जाता है लीव्स एंड फ्लोरिंग टॉप्स ऑफ प्लांट। जो भी आपकी लीव्स है प्लांट की या फिर फ्लोर्स के ऊपर जो टॉप्स है वहां से बेलाडोना ऑप्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है जिनसेंग। देखिए जिनसेंग का बोटनिकल नेम है पेनेक्स जिनसेंग, क्या है, पेनेक्स जिनसेंग, और इसकी फैमिली है एरेलियसी। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है, तो ये ड्राइड रूप से ऑप्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंकोना प्लांट, कौन सा हो गया, सिंकोना, यानी जिसका अगर बोटनिकल नेम देखें तो ये है सिंकोना ऑफिशिनेलिस, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है सिंकोना, है ना, जैसे क्यूनिन, क्यूनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, ये सारी सिंकोना से ऑप्टेन की जाती है। इसमें जो क्यूनिडीन होता है ना वो एंटी अरिथमिक है, और क्यूनिन है वो एंटी मलेरियल ड्रग है। इसकी जो फैमिली होती है ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सिंकोना की फैमिली है रूबिएसी, क्या है, रूबिएसी, और ये आपका ड्राइड बार्क और स्टेम से ऑप्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है नक्स ओमिका, जिसे हम बिच्छू कंठी भी बोलते हैं, नक्स ओमिका, इसका जो बोटनिकल नेम है वो है स्ट्राइचनस नक्स ओमिका, और फैमिली है लोगेनियसी, कई बार इसका भी ये फैमिली पूछा गया नक्स ओमिका का, लोगेनियसी इसका फैमिली नाम है, और ये भी ड्राइड राइप सीड से ही ऑप्टेन किया जाता है। तो देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। एनीथोल एंड फेनकोल, कौन कौन सा, एनीथोल एंड फेनकोल वोलेटाइल ऑयल आर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, इनमें से कौन से प्लांट के अंदर एनीथोल और फेनकोल नाम के वोलेटाइल ऑयल ऑप्टेन किए जाते हैं वो आपको बताने हैं। चार प्लांट्स के नाम है, आपको उनमें से एक का नाम जो भी राइट है वो बताना है। एनीथोल एंड फेनकोल वोलेटाइल ऑयल आर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिनामोन, ऑप्शन बी है क्लोव, ऑप्शन सी है गार्लिक, एंड ऑप्शन डी है फेनल। जल्दी से इसका आंसर बताएगा, एनीथोल और फेनकोल वोलेटाइल ऑयल कौन से प्लांट से ऑप्टेन किए जाते हैं। देखिए इसका आंसर भी बता देते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि फेनल। फेनल से एनीथोल और फेनकोल दोनों ही ऑप्टेन किए जाते हैं।
देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट वोलेटाइल ऑयल वाले प्लांट्स और उनसे कौन कौन सा वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहला है सिनामोन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं। ये ड्राइड बार्क ऑफ सिनामोन जेलेनिकम से ऑब्टेन किया जाता है। इसके अंदर कैरियोफाइलिन, सिनेमिक एल्डिहाइड ये ऑब्टेन रहता है वोलेटाइल ऑयल के रूप में। सेकेंड देख लेते हैं क्लोव, है ना। क्लोव का मतलब क्या हो गया, लौंग। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड फ्लावर ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस। जो भी आपका यूजीनिया कैरियोफाइलस है उसके अंदर जो ड्राइड फ्लावर है, फ्लावर होता है ना, इसे फ्लावर बड भी होगा इसके अंदर, इस तरीके से ड्राइड फ्लावर ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस से आपका ऑब्टेन किया जाता है क्लोव। और इसके अंदर यूजिनोल और कैरियोफाइलिन नामक दो इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल रहते हैं। इसी तरीके से गार्लिक, गार्लिक को हम क्या बोलते हैं, लहसुन। क्या बोलते हैं, लहसुन। तो ये आपका ऑप्टेन किया जाता है राइप बल्ब ऑफ एलियम सेटाइवम। तो एलियम सेटाइवम प्लांट है, उसके राइप पके हुए बल्ब से ऑप्टेन किया जाता है। और इसके अंदर एलिसिन नाम का वोलेटाइल ऑयल रहता है। नेक्स्ट है फेनल, फेनल को हम बोलते हैं सौंफ। और ये कहाँ से ऑप्टेन की जाती है, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फोइनिकुलम वल्गेर। जो भी फोइनिकुलम वल्गेर प्लांट है उसका ड्राइड राइप फ्रूट से ही ऑप्टेन किया जाता है। इसके अंदर एनिथोर और फेनकोन नाम के दो वोलेटाइल ऑयल इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी फेनल, ठीक है। इसके अलावा एक होता है तुलसी। तुलसी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लीव्स ऑफ ओसिमम सैंक्टम से। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लीव्स ऑफ ओसिमम सैंक्टम से। और इसके अंदर यूजिनोल और कैरियोफाइलिन ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इसके अंदर ये सारी चीजें ऑब्टेन की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइकोसाइड्स। आपको ग्लाइकोसाइड्स के रिगार्डिंग में जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। चार ऑप्शन है, उनमें से जो भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन लग रहा है ग्लाइकोसाइड के रिगार्डिंग में, उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ऑप्शन ए है वो देख लेते हैं। ग्लाइकोसाइड इज मेड अप ऑफ ए ग्लाइकोन एक्टिविटी एंड ग्लाइकोन पार्ट। यानी ग्लाइकोसाइड जनरली दो पार्ट से बना हुआ है, ए ग्लाइकोन से और ग्लाइकोन पार्ट से, जिसमें ए ग्लाइकोन पार्ट क्या होता है, एक्टिविटी शो करता है और ग्लाइकोन पार्ट साथ में रहता है। ऑप्शन बी है, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड लिवो रोटेटरी इन नेचर। ऑप्शन बी में है कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और लिवो रोटेटरी नेचर के हैं। ऑप्शन सी है, दीज आर आइसोलेटेड बाई स्टास ऑटो मेथड। इनको स्टास ऑटो मेथड से आइसोलेट किया जाता है। एंड ऑप्शन डी है, सीना इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी ग्लाइकोसाइड। इनमें से सीना आपका एक सी ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है। तो इनमें से जो भी आपका इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है। देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर बताना शुरू कर दिया होगा। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्योंकि ग्लाइकोसाइड की जनरल बात करें तो ग्लाइकोसाइड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ए ग्लाइकोन जो कि नॉन शुगर पार्ट होता है, और ये नॉन शुगर पार्ट होता है ना, यही आपकी एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है ग्लाइकोन पार्ट, जो इसकी सोल्युबिलिटी या फिर अदर फिजिकल एक्टिविटी के लिए रहता है। ग्लाइकोन पार्ट के अंदर शुगर मोइटी रहती है, ठीक है। जितने कितने भी ग्लाइकोन है वो जनरली क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और लिवो रोटेटरी नेचर के, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट रोटेट करेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट इस तरीके से अगर मान लो इनके ऊपर डाली जाए, सिंपल भरा हुआ हो और इसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट यानी सिंगल पाथ वाली लाइट डाली जाए, तो ये इसको क्रॉस करने के बाद सीधा सीधा नहीं जाके एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं एल या फिर लिवो रोटेटरी। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज मुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं डेस्ट्रो रोटेटरी या फिर स्मॉल डी। तो ये जितने कितने भी ग्लाइकोसाइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इस तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट को मोड़ देते हैं, तो इसलिए लिवो रोटेटरी नेचर के होते हैं। थर्ड है, दीज आर आइसोलेटेड बाई स्टास ऑटोमेटर। ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया आपका, सीना इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी ग्लाइकोसाइड। ये गलत कैसे है देख लेते हैं। ये भी अगर हम बात करें लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट के बीच में, जो भी आपका ग्लाइकोन पार्ट है सुगर पार्ट है और जो भी आपका ए ग्लाइकोन पार्ट है एक्टिव मॉइटी है, उनके बीच में कौन सा डबल बॉन्ड रहेगा, कौन सी लिंकेज रहेगी, तो उसके आधार पर हम ग्लाइकोसाइड को मेनली चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सी ग्लाइकोसाइड, जिसका एग्जाम्पल है एलोय एंड कस्कारा। ये आपके सी ग्लाइकोसाइड है जिसके अंदर कार्बन से लिंकेज रहती है, इस तरीके से यहाँ पे एक ग्लाइकोन पार्ट रहेगा, यहाँ पे ग्लाइकोन पार्ट रहेगा, यानी ये सी कार्बन एटम से आपस में अटैच रहेंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको सी ग्लाइकोसाइड। इसी तरीके से अदर होते हैं ओ ग्लाइकोसाइड्स। ओ ग्लाइकोसाइड में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम से लिंकेज रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे ओ ग्लाइकोसाइड, जैसा कि सीना एंड रूब्रम।
देखिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दे रखा था ना, इसमें लिखा है सीना इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी ग्लाइकोसाइड। सीना सी ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल नहीं होता, एक किसका होता है, ओ ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत था, है ना। ओ ग्लाइकोसाइड का और कौन कौन सा एग्जाम्पल है, सीना एंड रूबार, ये दोनों ही ओ ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं, एक होता है एस ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर क्या होता है, सल्फर एटम होता है, इस तरीके से बीच में सल्फर एटम प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एस ग्लाइकोसाइड। जैसे कहा सिनेग्रीन, सिनेग्रीन के अंदर एस ग्लाइकोसाइड होता है, ये ब्लैक मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है, काला सरसों होता है ना उसके अंदर पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है एन ग्लाइकोसाइड, जहाँ पे नाइट्रोजन एटम यहाँ पे बीच में अटैच रहता है तो उसे हम एन ग्लाइकोसाइड कहते हैं। यहाँ पे एक ग्लाइकोन पार्ट है और यहाँ पे ग्लाइकोन पार्ट है, तो ऐसे को ऐसा एग्जाम्पल है आपका न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में एन नामक के ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपके पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपके सारे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में आपने अच्छे से डिटेल में जाना और इन सबके एग्जाम्पल को भी आपको लर्न करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द बायो मोलिक्यूल्स कॉजिंग हीमोलाइसिस एंड फॉर्मिंग विथ वाटर। ऐसे बायो मोलिक्यूल का नाम बताना है जो कि क्या करते हैं, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब आरबीसी को रप्चर कर देते हैं, आरबीसी को रप्चर करने वाले, या जो भी जो क्या करते हैं, वाटर के साथ में फॉर्म बनाते हैं, जाग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे बायो मोलिक्यूल्स का आपको नाम बताना है कि ऐसे कौन से बायो मोलिक्यूल्स है जो हीमोलाइसिस करते हैं, साथ ही साथ वाटर के साथ में उसमें फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो है एंथ्रेसीन ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी है टर्पिन्स एंड ऑप्शन डी है सपोनिन ग्लाइकोसाइड। देखिए इसके बारे में भी आप लोगों को काफी आंसर आते होंगे, आप लोगों ने इसका आंसर भी सही किया होगा। अगर हम इसका आंसर देखें क्या होना चाहिए, तो वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सपोनिन ग्लाइकोसाइड। देखिए जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, सपोनिन के अंदर ही आपका क्या होता है, सपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है ना, ये क्या करता है, हीमोलाइसिस करता है, साथ ही साथ फॉर्मिंग विथ वाटर करता है। यहाँ पे आपको आंसर क्या रहेगा, सपोनिन ग्लाइकोसाइड। देखिए एक ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड है सॉफ्ट लाइक कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी, जो भी आपका एक ग्लाइकोन पार्ट होता है उसके अंदर सॉफ्ट लाइक साबुन की तरह प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या है, जब ये पानी के अंदर जाता है तो ये पानी के साथ में जाग देना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए सपोनिन ग्लाइकोसाइड क्या करता है, इट प्रोड्यूस फॉर्मिंग विथ वाटर। देखिए अगर हम कुछ अलग ग्लाइकोसाइड के या फिर कुछ अलग ड्रग के नाम देखें या ये भी देख लें कि किसमें क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले है जिनसेंग, क्या है, जिनसेंग प्लांट, इसमें क्या रहेगा, ये रूट ऑफ पेनेक्स जिनसेंग से ऑप्टेंड होता है। देखिए सपोनिन वाले ग्लाइकोसाइड से होने के एग्जाम्पल है अधिकतर, रूट ऑफ पेनेक्स जिनसेंग से ऑप्टेंड होता है, इसके अंदर ट्राई टर्पिनोइड्स होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राई टर्पिनोइड्स, ठीक है ना। इसका एक्शन होता है जिनसेंग का इम्यूनोमोडुलेटरी एंड एफ्रोडियासिक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जिनसेंग अपना क्या काम करता है, तो इसका एक्शन है इम्यूनोमोडुलेटरी, ये इम्यूनोमोडुलेटरी होता है, इम्यूनिटी को मोडुलेट करता है, साथ ही साथ एफ्रोडियासिक भी होता है। सेकेंड है डायोसीरा, ये ऑप्टेन होता है ट्यूबर ऑफ डायोसिराइड्स डेल्टोइड डी, ट्यूबर होता है ट्यूबर पार्ट, डायोसिराइड्स डेल्टोइड के ट्यूबर पार्ट से ये ऑप्टेन होता है, और इसका जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो है डायोजेनिन। डायोजेनिन कहाँ काम आता है, ये स्टेरॉइड की सिंथेसिस में काम आता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। डायोजेनिन इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है ना, ये डायोसीरा से ऑप्टेन होता है। कई बार पूछा गया इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए डायोजेनिन के अंदर स्टेरॉइडल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसके बाद होता है आपका लिक्विराइज, जिसे हम बोलते हैं मुलेटी, क्या बोलते हैं, मुलेटी लिक्विराइज, ये ऑप्टेन होता है रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लाइसिराइजा ग्लेबरा। जो भी आपका ग्लाइसिराइजा ग्लेबरा प्लांट है उसके रूट एंड स्टोलन से ये ऑप्टेन होता है, और इसके अंदर ग्लाइसिराइजिन और लिक्विरिटिन दो मेन कंस्टिट्यूएंट रहते हैं, ये एंटी अल्सर में या फिर एक्सपेक्टोरेंट में काम आता है, यानी कि ये कफ एक्सपेक्टोरेंट में काम आएगा, साथ ही साथ अगर मान लो अल्सर हो गए हैं मुंह के अंदर या फिर इसोफेगस के अंदर, तो वहां पे भी ये काम आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है वो है ब्राह्मी, जो कि बकोपा मोनेरी, इसका बॉटनिकल सोर्स है बकोपा मोनेरी, यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, और इसका कंस्टिट्यूएंट है ट्राई टर्पिनोइड्स, ये ब्रेन टोनिक की तरह काम करता है, ब्रेन में टोनिक की तरह काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका गोप्रू, गोप्रू कहाँ से ऑप्टेन होता है,
फ्रूट ऑफ ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। कहाँ से ऑप्टेन होता है? फ्रूट से। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस नाम का एक प्लांट है, उसके फ्रूट से कोकरो ऑप्टेन होता है। और इसके अंदर स्टीरोइडल सपोनिन रहते हैं। ये प्लांट जनरली डायूरेटिक की तरह काम आता है। डायूरेटिक का मतलब जो ये वाटर कंटेंट को और सोडियम को बाहर एक्सक्रीट आउट करे ज्यादा अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं डायूरेटिक। साथ ही साथ ही एफ्रोडिसियाक के रूप में भी काम आता है कोकरो। तो यहाँ पे मैंने 4-5 इंपोर्टेंट ड्रग्स देखी, साथ ही उनका सोर्स, उनका यूज, ये सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है ना। और सपोनिन ग्लाइकोसाइड के बारे में बता दिया कि ये हीमोलाइसिस करता है, आरबीसी को रप्चर करता है, साथ ही साथ वाटर के साथ में फॉर्म बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इनमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल क्या है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कस्काराम, ऑप्शन बी है रूबार्ब, ऑप्शन सी है डिजिटेलिस एंड ऑप्शन डी है कस्काराम। कस्काराम मैंने 2 बार डाल दिया, कोई बात नहीं। इसमें से जो भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उसका एग्जाम्पल बताना है, कस्काराम, रूबार्ब एंड डिजिटेलिस। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि डिजिटेलिस। डिजिटेलिस के अंदर क्या होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए डिजिटेलिस का दूसरा नाम है फॉक्स ग्लो, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से फॉक्स ग्लो किसे कहा जाता है? तो डिजिटेलिस को कहा जाता है। ऑप्टेंड कहाँ से होता है? तो ये लीव्स ऑफ डिजिटेलिस पुरपुरिया से ऑप्टेंड होता है। ये डिजिटेलिस पुरपुरिया की लीव्स से ऑप्टेंड होता है। इसके अंदर पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टोपेंथस। स्टोपेंथस प्लांट कहाँ से ऑप्टेंड होता है? सीड ऑफ स्टोपेंथस कॉम्बे। तो स्टोपेंथस कॉम्बे प्लांट है, उसके सीड से ये ऑप्टेंड होता है। और इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है स्टोपेंथिडिन। क्या है? स्टोपेंथिडिन। नेक्स्ट प्लांट है स्क्विल। स्क्विल इज ऑप्टेंड फ्रॉम स्केली लीव्स। स्केली लीव्स ऑफ बल्ब अर्चिनिया मेरिटी में जो बल्ब होता है, बल्ब पार्ट, इसके लिए उसका जो बल्ब पार्ट होता है अर्चिनिया मेरिटी में प्लांट का, उससे ये स्किल प्लांट स्किल ऑप्टेन किया जाता है। और इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है स्क्लेरोसाइट। स्क्लेरोसाइट्स क्या है? स्क्लेरोसाइट्स। नेक्स्ट है क्यूबेन। क्यूबेन इज ऑप्टेन फ्रॉम सीड ऑफ स्ट्रोपेंथस ग्रेटस। और इसके अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है क्यूबेन। तो इस तरीके से कुछ मैंने ड्रग्स बता दी, डिजिटेलिस जिसे हम फॉक्स ग्लो भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि फॉक्स ग्लो किसका सिनोनिम है, तो आपको मालूम होना चाहिए डिजिटेलिस को ही फॉक्स ग्लो कहा जाता है कि डिजिटेलिस प्रक्रिया से ऑप्टेन होता है। तो इस तरीके से हमारा 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, इनमें से कौन सा एक केमिकल टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए परफॉर्म किया जाता है? 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन ए है बोरन ट्रेजर टेस्ट, ऑप्शन बी है केलर किलियानी टेस्ट, ऑप्शन सी है बालजेट टेस्ट एंड ऑप्शन डी है लीगल टेस्ट। द केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, बोरन ट्रेजर टेस्ट, केलर किलियानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट एंड लीगल टेस्ट। देखिए इसका आंसर बताना है जल्दी से। इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि बोरन ट्रेजर टेस्ट, ठीक है ना। ये जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसके लिए बोरन ट्रेजर टेस्ट ही किया जाता है। अगर हम कुछ वेरियस ग्लाइकोसाइड टेस्ट देखें, यानी कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट हैं, तो सबसे पहले आपका बोरन ट्रेजर टेस्ट जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है। सेकेंड है केलर किलियानी टेस्ट, ये क्या जाता है डिजिटॉक्सोज के लिए, ड्यू टू डिजिटॉक्सोज केलर किलियानी टेस्ट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है बालजेट टेस्ट। बालजेट टेस्ट में क्या होता है, डिजिटेलिस के साथ में अगर हम सोडियम पिक्रेट, डिजिटेलिस के साथ में वो सोडियम पिक्रेट की रिएक्शंस कराएं तो वहां पे येलो ऑरेंज कलर आता है। कैसा आता है? येलो ऑरेंज कलर। तो इसे हम बोलते हैं बालजेट टेस्ट। ऐसे ही लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट में क्या होता है, जो भी आपका एक्सट्रैक्ट है प्लांट का उसके साथ में पीरिडीन मिलाना है, साथ में उसके सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाना है, और साथ में जो भी आपका मीडियम है उसको एल्कलाइन कर देना है, तो उससे जो कलर आएगा वो आएगा पिंक रेड कलर। कैसा रहेगा? पिंक रेड कलर। तो ये टेस्ट क्या होगा? लीगल टेस्ट पॉजिटिव। तो ये वेरियस ग्लाइकोसाइड के टेस्ट थे। वापस पर रिपीट कर देता हूँ, बोरन ट्रेजर टेस्ट, केलर किलियानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट एंड लीगल टेस्ट। तो इन सबका आपको ध्यान क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एडल्ट्रेंट ऑफ सीना एशिया ओबोवेटा डॉग सीना जिसे भी कहते हैं, डॉग सीना भी कहते हैं, इज आइडेंटिफाइड बाय द ईयर।
अगर आपको डॉगसिंगा के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे अबोवटा है, डॉगसिंगा है, एडल्ट्रेंट है सिंगा का या नहीं है इसके अंदर, तो वो कैसे पता करोगे? देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है लॉन्ग ट्राइकॉम्स, ऑप्शन बी है ओल्स कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ऑप्शन सी है ओबेवेट सेट विथ टेपरिंग अपेक्स एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो जल्दी से बताएगा कि अगर आपको पता करना है कि सिंगा के अंदर लोग सिंगा का जो करेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका एडल्ट्रेंट के रूप में इसमें आया हुआ है, तो वो कैसे करोगे, कौन सा करेक्टरिस्टिक आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे इसका बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ओबोवर्ड सेफ विथ टेपरिंग अपेक्स, है ना। ये एक डॉग सिंगा का करेक्टरिस्टिक पहचान है कि उसके अंदर ओबोवेट सेफ होता है। कैसा होता है? ओबोवेट सेफ होता है विद टेपरिंग अपेक्स, जो अपेक्स होते हैं ना वो टेपर होते हुए ओबोवेट सेफ दिखाती है। अगर हम सिंगा के अदर अलग अलग एडल्ट्रेंट की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका डॉग सिंगा, यही आपका मेन एडल्ट्रेंट है जिसको हम केसिया ओबोवाटा भी बोलते हैं। इसके अंदर ओबोवेट सेफ होती है विद टेपरिंग अपेक्स, 1% सिनोसाइड ही होता है इसके अंदर। अगर हम सिनोसाइड की मात्रा देखें तो इसके अंदर कितनी होगी, 1% सिनोसाइड्स। सेकंड होता है आपका पालती सिंगा जिसे बोलते हैं केसिया ओरिकुलाटा, क्या बोलते हैं केसिया ओरिकुलाटा। इसके अंदर लॉन्ग ट्राइकॉम्स, लॉन्ग ट्राइकॉम्स किसमें होता है, केसिया ओरिकुलाटा में, यानी पालती सिंगा में होता है। डॉग सिंगा में क्या होता है, ओबोवेट सेफ विद टेपरिंग अपेक्स, ठीक है। यहाँ पे सिनोसाइड की बात करें तो बिल्कुल नहीं होते हैं। और थर्ड होता है आपका अरेबियन सिंगा, तो ये आपके एडल्ट्रेंट थे सिंगा के, वो आपको भी जानने को मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक्टिव प्लांट पार्ट ऑफ रूबाबीस, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, सीपेट एग्जाम या फिर किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो अनअकैडमी पर एचीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, एचीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, उसका आप जरूर ज्वाइन करें। और ज्वाइन करते समय राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करें। मैं आपको अभी 10 जो भी मेरा कोड वर्ड है वो आगे और बता दूंगा, वो कोड डाल के ज्वाइन करें तो आपको फर्दर इसमें 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके अपने मित्रों को भी बोलें और उन्हें बोलें कि इसको, इस क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा है वो ज्वाइन करें। साथ ही ये क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म के रूप में मिलेगी, लाइव क्लासेस के रूप में नहीं मिलेगी। और जब आप इसको पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड भी इसके नोट्स का कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द एक्टिव प्लांट पार्ट ऑफ रूबर्ब, इनमें से रूबर्ब प्लांट का एक्टिव प्लांट पार्ट कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ड्राइड राइजोम, ऑप्शन बी है लीफलेट्स, ऑप्शन सी फ्रूट एंड ऑप्शन डी है ट्राइड बार। एक्टिव प्लांट पार्ट ऑफ रूबरबीस ये आपको बताना है, ट्राइड राइजोम, लीफलेट्स, फ्रूट एंड ट्राइड बार। देखिए यहाँ पे अगर आपका आंसर देखा तो वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्राइड राइजोम। देखिए अगर हम वेरियस एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स की बात करें और उनके सोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं। सिन्ना सबसे पहले हो गया, सिन्ना कहाँ से ओपन होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है सिन्ना, ठीक, लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है सिन्ना। और ये ड्राइड लीफलेट्स जो केसिया अंगस्टिफोलिया है, देखिए ये भी कई बार पूछा गया, केसिया अंगस्टिफोलिया को क्या बोलते हैं, इंडियन सिन्ना, यानी इंडियन सिन्ना किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए केसिया अंगस्टिफोलिया। अंगस्टि में देखिए एन आ रहा है और इंडियन में भी क्या आ रहा है, एन, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा सेकंड पोजीशन पे एन है और इसमें भी एन है, तो ये आपको याद रहेगा अंगस्टिफोलिया क्या है, इंडियन सिंगा। एक होता है केसिया एक्यूटिफोलिया, इसको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर सिंगा, ये भी पूछा गया अलेक्जेंडर सिंगा इसमें से कौन सा है, तो वो भी मालूम होना चाहिए केसिया एक्यूटिफोलिया क्या होता है, अलेक्जेंडर सिंगा। ये ड्राइड लीफलेट से ऑब्टेन किया जाता है। इसके अंदर जो मेन कंस्टेंट होते हैं वो है सिनोसाइट ए एंड बी, और ये जनरली परगेटिव एक्शन में काम आता है। परगेटिव का मतलब क्या होता है, लैक्सेटिव एंड परगेटिव, मालूम है ना, जो जल्दी से स्टोमक को इवेक्यूएट कर दे, खाली कर दे, लूज मोशन करते हैं ये जनरली, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव होता है ना उसको हम परगेटिव बोलते हैं, जो भी प्लांट स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव होता है उसको हम परगेटिव बोलते हैं। सेकेंड आपका एलोई जिसका फैमिली है लिलियसी, कौन सी फैमिली है, लिलियसी, और ये आपका ऑप्टेन किया जाता है ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलोईवेरा, एलोईवेरा प्लांट के जो लीव्स है उनके जूस से ये ऑप्टेन किया जाता है एलोई। और इसका जो आपका कंस्टिट्यूएंट रहेगा वो भी सिनोसाइट ए एंड सिनोसाइट बी रहेगा, ये भी आपका परगेटिव के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है रूबार,
एरोग्राफ भी बोलते हैं इसे। इसकी जो फैमिली होती है वो है पॉलीगोनेसी। कौन सी है? पॉलीगोनेसी। और ये जनरली ड्राइड राइजोम ऑफ रियम पामेटम से ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड राइजोम ऑफ रियम पामेटम। इसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट रहेंगे वो रहेंगे रीन एंड एलोई इमिडिन, और इसका भी मेन यूज होता है पर्गेटिव के रूप में। एंड नेक्स्ट है कस्कारा। कस्कारा जिसकी फैमिली है हाइपेरिक एसिड, फैमिली का नाम हो गया हाइपेरिक एसिड, और ये भी जनरली ड्राइड बार्क ऑफ रेमनस पर्सिनिया से ऑब्टेन किया जाता है, रेमनस पर्सियाना से ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड बार्क ऑफ रेमनस पर्सियाना। और इसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट रहते हैं वो है कस्केरोसाइन, ये भी आपका माइल्ड पर्गेटिव की तरह काम आता है। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिसके बारे में हमें फर्दर डिस्कस करना था। देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीपेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो भी 10 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनमें से श्योरली एक या दो तीन चार क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बाकी आएंगे ही आएंगे। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें, काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। हर एक बार जो पैटर्न होता है एग्जाम का उसमें ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए कि यहाँ भी हमारा एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का एचीवर्स बैच अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। मैं हूँ आपका एजुकेटर राम प्रकाश प्रजापत, और अगर आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे राम प्रकाश 10 कोड डाल के, ये वाला राम प्रकाश 10 कोड डाल के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इस कोर्स की फीस है 2,999 रुपीज। जो अगर आप चाहें कि हमें इसको डायरेक्ट ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन करते समय यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, एक स्क्रीन पर ये आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, QR कोड। इस QR कोड को आप स्कैन करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप और साथ ही साथ वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही है, वहाँ पे हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी चल रही है, और अगर आप चाहें कि इसके नोट्स हम डाउनलोड करके भी देखें, तो आप उन नोट्स को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जो क्लासेज हो गई है उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं परमानेंट। तो वहाँ पे अभी मेरी फार्माकोलॉजी की क्लास, फार्मास्यूटिक्स की क्लास अभी हमारी चल रही है, फार्माकोग्नोसी, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, ज्यूरिसप्रूडेंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट वहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको फिर से बता देता हूँ, इस बैच का नाम है एम्स एचीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, एचीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, है ना। तो इस बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें, और अपने सारे मित्रों को बताएं कि अन अकेडमी पे बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है ना। और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद तो यूँ समझ लीजिएगा कि आपके अंदर जीत काफी करीब आ जाएगी। तो चलिएगा यहीं पे आपकी आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।